ये भी मांग रखी है कि चर्चा आज ही हो, तो क्या आप लोगों का रहने वाला है आरटी का ये स्ट्रेटेजी आज, और आज आप काले परिधान में? या हम लोग तो विरोध करते हैं, जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। सर आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा आज ही होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग आज काले कपड़े नहीं? ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते, अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं, ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखें, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं होगा जाके हम बैठे और मतलब वहाँ आपस में चर्चा करें। हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है बिल्कुल रह गया, वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल में फंस, हमें भी मुश्किल से गुजरने के हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले।